गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको कि इंडिया और जो न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था कल का, जिसमें न्यूजीलैंड ने 211 रन बना लिए हैं। फ्रेंड देखिएगा, काफ़ी अच्छी इंडिया टीम जो है खेली है, लेकिन 211 रन के बाद यानी कि 46 ओवर एक बॉल के बाद जो है मैच में बारिश होना चालू हो गई। और बारिश होने के बाद में क्या हुआ कि पूरी रात मतलब पूरा टाइम जो है अब वो बारिश होती रही। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर अभी भी बारिश हुई, या फिर अगर बारिश होने के बाद मैच चालू होगा तो वो कहाँ से चालू होगा। ठीक है, सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, और फ्रेंड देखिए, मैं इंडिया के लिए सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, और भी लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इस चीज़ पर जो है बताइए कि क्या हो सकता है। मे बी अगर डक वैल्यू जो नियम है वो तभी तक लग सकता था जब तक वो वन डे था, मतलब कहने का मतलब जो था कल तक जो था मैच खेला गया वहीं तक जो है डक वैल्यू था। ओके, अगर वो लगता, कहने की मेरी बात है, अगर वो तब लगता या फिर कहें बारिश रुक जाती तो इंडिया को 20 ओवर खेलने पड़ते और 148 रन बनाने होते। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब जो है इंग्लैंड जो है इंग्लैंड को अभी जो है 46 ओवर दूसरी बॉल, यानी कि पहली बॉल तो वो खेल चुके, 47 ओवर की दूसरी बॉल जो है खेलनी होगी और पूरा मैच खेलना रहेगा। ठीक है, आज के दिन, और आज का जो वेन्यू रहेगा देखिए वो सेम रहेगा, 3 बजे से स्टार्ट होगा मैच जैसा कि पहले होता है। और आपका जो वहाँ पर जो टाइमिंग है वो 10:30 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 211 5 विकेट पर 46 और एक बॉल पर, यानी दूसरी बॉल फेंकी जाएगी और ये सेमीफाइनल है और वो भी इंडिया और न्यूजीलैंड का 48 मैचों में से 46वां मैच था। ठीक है, अगर हम बात करें भाई, अगर फिर भी आज भी मतलब 10 तारीख को जो रिज़र्व डे है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, अगर मैच नहीं हो पाया, डक वैल्यू नियम से भी नहीं हो पाया है, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ भाई। इंडिया, देखिए फिर आएगी बात नेट रन रेट की, क्या आएगी सबसे लास्ट में आएगी बात नेट रन रेट की। अभी सबसे अच्छी नेट रन रेट है न्यूजीलैंड की, ठीक है, +1.152। ठीक है, ये न्यूजीलैंड कंफर्म, यहाँ पर अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो न्यूजीलैंड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी न्यूजीलैंड की बात नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं किसकी बात, इंडिया और न्यूजीलैंड की। इंग्लैंड तो बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की जो पॉइंट्स टेबल है वो बहुत नीचे है, 0.0 पर है। ठीक है, 0.0, और यहाँ 0.017 है, यहाँ पर 0.80 पर, यानी कि इंडिया बहुत आगे है, इंडिया इनसे पॉइंट टेबल में भी आगे है और मैच विनिंग में जो पॉइंट्स रहते हैं उनमें भी है, नेट रन रेट की भी मैं भी आगे है और मैच जो उन्होंने जीते हैं उसमें भी यहां पर आगे पहुंच जाती है। तो यहां से अगर देखें तो इंडिया ऑलरेडी अगर देखा जाए आज भी अगर मैच बाधित हुआ, बारिश से प्रॉब्लम आई, तो इंडिया ऑलरेडी जो होगा फाइनल में पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं चाहेगी ICC वर्ल्ड कप या कोई भी टीम ऐसा नहीं चाहेगी कि भाई कि ऐसे बिना खेले ही जो है टीम फाइनल पहुंच जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ रही कि जो ICC बोर्ड है वो जो मैच करवाएगा, ठीक है, भले ही डक वैल्यू के नियम से करवाएगा, 15-20 ओवर का तो मिनिमम करवाना पड़ेगा क्योंकि 46 ओवर वो लोग खेल चुके हैं और इंडिया को 20 ओवर खेलने होंगे, और अगर वो 20 ओवर खेले तो इंडिया को 148 रन बनाने होंगे और 148 रन बनाने के साथ साथ उनको विकेट भी नहीं खोना है। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर बात आएगी भाई, अब जो है मैच कितने बजे से होगा, तो मैच होगा 3 बजे से। ठीक है, और सारी डिटेल बता चुका हूँ मैं आपको, इंडिया जो होगी वैसे ही क्वालिफाई करी जाएगी, लेकिन फ्रेंड लेकिन ICC वोट जो है कल भी जो है 3 से 4 बार जो है उन्होंने जो है ग्राउंड से जो है कवर्स हटाने की कोशिश करी, लेकिन 10 से 15 मिनट में फिर से बारिश हो गई, तो ग्राउंड जो है काफ़ी गीला हो चुका है अभी भी। ठीक है, उसको जो है सोकिंग वगैरह का जो भी करा जा रहा है, ठीक है, मैंने अभी जो वीडियोज़ देखी थी, ठीक है, तो हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं मैं आपको कि इतना ही है कि अभी भी बारिश हो सकती है, फोरकास्ट में अभी भी ऐसा है कि बारिश आज भी हो सकती है और कल भी हो सकती है, मतलब रेगुलर बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसके दिक्कत क्या आ रही है कि भी बारिश के कारण से जो पूरी पिच है वो गीली हो चुकी है, मे भी हो सकता है जो कवर्स हैं, जो पिच की कवर्स होती है, जो मेन पिच होती है उसके उस पर ज़्यादा ड्राई नहीं हो, ज़्यादा वो है, सॉरी ड्राई नहीं कहूँगा, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं आया होगा, तो मे भी हो सकता है कुछ ओवर्स का मैच हो जाए।
तो इंडिया मे भी जीत जाए, मे भी नहीं जीते, इंडिया तो पैसे जीता हुआ है देखिए, लेकिन मैच होगा तो अच्छी बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी बात समझ में आई है तो वीडियो को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, इंडिया को तो आप सपोर्ट कर ही रहे होगे। तो फ्रेंड्स अगर सपोर्ट कर रहे हो तो एक थम्सअप का बटन दबा दीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।